उसमें सबसे मूल है आपका विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है, पति डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है या तुम्हारा देवर या देवरानी कोई डॉक्टर है। देवरानी ने तुमको दवाई बताई, देवर ने तुमको दवाई बताई, या बेटे ने तुमको दवाई बताई, पत्नी ने तुमको दवाई बताई या पति ने तुमको दवाई बताई, वो दवाई तुमने ली पर तुमको ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ। अब पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, देवर भी डॉक्टर है, देवरानी भी डॉक्टर है, या हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और उसने दवाई दी और वो दवाई हमारी लॉक नहीं करी, वो दवाई हमारे शरीर पर ठीक नहीं बैठी। अब तुमने परिवार वाले से इलाज करवाया, परिवार वाले से इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं बैठा, तो तुम क्या करी? अब तुमने कहा कि अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी, और दूसरे डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया, दवाई ने असर करना प्रारंभ करा और तुम ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद अच्छा डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि हमारा घर का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं है? ऐसा नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी, इसलिए वो शरीर पर लॉक नहीं करी है, इसलिए वो शरीर के लिए लॉक नहीं कर पाए, शरीर पर वो असर नहीं कर पाए। दूसरे की दवाई पर आपने, दूसरे की दवाई पर आपने भरोसा कर लिया, दूसरे की दवाई पर आपने विश्वास कर लिया, और दूसरे की दवाई पर जैसे ही भरोसा करा, दूसरे की दवाई पर जैसे ही विश्वास करा, विश्वास करते से ही वो दवाई ने असर करना प्रारंभ किया, तुम्हारे शरीर पर असर करना प्रारंभ किया। आपको लगता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो अलग है, तीर्थ में जो शिवलिंग है वो अलग है, नदी के तट पर जो शिवलिंग है वो अलग है, और हमारे घर में जो शिवलिंग है वो अलग है? ये दुनिया के लोगों के मन में भेद है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम है, ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रांति है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग अगर तुम्हारे घर के अंदर है, मंदिर में है, देवालय में है, शिवालय में है, तीर्थ में है, जहां पर भी शंकर का शिवलिंग विराजमान है, अगर तुम्हारा शंकर के प्रति विश्वास पूर्ण है तो ये मान कर चलो कि घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। अगर तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो घर का शिवलिंग भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर कितना भी बैठ जाओ, विश्वास नहीं तो परमात्मा कहां से मिलेगा? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, आप मानोगे तो मैं गोदावरी हूं, आप मानोगे तो मैं गोमती हूं, आप मानोगे तो मैं यमुना हूं, आप मानोगे तो मैं सरयू हूं, आप मानोगे तो मैं मंदाकिनी हूं, आप मानोगे तो मैं सरस्वती हूं, आप मानोगे तो मैं नर्मदा हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शिव तत्व को कैसे भज रहे हो।
आप भगवान देवाधिदेव महादेव को किस रूप में भज रहे हो, कैसे आप उसका स्मरण कर रहे हो, कैसे आप उसकी भक्ति को धारण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी की आदत रहती है घर में पत्नी भोजन बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं लगता, घर में बहू ने भोजन बनाया तो उसमें स्वाद नहीं लगता, घर में परिवार के लोग भोजन बना दिए, जेठानी ने बना दिया, देवरानी ने बना दिया तो उसमें स्वाद नहीं लगता। किसी किसी की आदत रहती है कि वो बाहर का भोजन की तारीफ करता है पर घर के भोजन की तारीफ नहीं कर पाता। क्या बनाया है तुमने, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है, इसमें ऐसा कर दिया, इसमें वैसा कर दिया, बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, घर का भोजन श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। और किनको, किनकी गलती है जिसको घर का भोजन ठीक नहीं लग रहा और बाहर का भोजन ठीक लग रहा है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है घर के माता पिता की। बच्चे को घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से टमाटर सास बुलवाया दे दिया, घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से थोड़ा सा मिक्सचर बुलवाया दे दिया, घर का भोजन नहीं भाया, बाहर से कुछ बुलवाया दे दिया। घर का भोजन नहीं भाया, बाजार से कुछ मंगवाया दे दिया, प्रदान कर दिया। इसमें गलती है घर के माता पिता की है कि हमारे घर के बच्चों को घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का भोजन अच्छा लग रहा है। इसमें गलती हमारी है, हमने उनको खाना नहीं सिखाया, हमने अपने घर का कल्चर, अपने घर का भोजन उसको करना नहीं सिखाया, यह हमारी गलती है। और केवल इसको भोजन तक मत लेना, इसको जरा दूर तक लेकर जाना कि आज के बच्चों को जैसे घर का भोजन नहीं भाता, बाहर का भोजन अच्छा लगता है, उसी तरह आज के बच्चों को हमारा सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, दूसरा धर्म अच्छा लगता है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे संस्कारों की है, हमने गलती करी है कि अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और पढ़ो, ऐसा पढ़ो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करना, मम्मी सुंदरकांड का पाठ है, मम्मी राम जन्मोत्सव है, मम्मी कृष्ण जन्मोत्सव है, घर में पढ़ाई कर, नहीं जाना, सुंदरकांड का पाठ है नहीं जाना, रामायण है नहीं जाना, कीर्तन हो रहा है नहीं जाना, मम्मी वारकरी संप्रदाय के सभी लोग हरि विट्ठल पांडुरंगा की आषाढ़ी एकादशी पे जा रहे हैं, नहीं जाना। माता पिता ने कंट्रोल करा केवल धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल सनातन धर्म पर, माता पिता ने कंट्रोल करा केवल हिंदू धर्म पर, माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि संडे के दिन तुम्हारा बेटा कौन से चर्च पर जा रहा है। माता पिता ने कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर जाकर खड़ा हो रहा है, माता पिता ने यह कंट्रोल नहीं करा कि तुम्हारा बेटा किसकी संगत में पड़ा है। थोड़ा बहुत अगर बच्चा शिव महापुराण से लग जाए ना, थोड़ा बहुत बच्चा अगर शिवपुराण में जाने लगे, बहुएं शिवपुराण में जाने लगे, बच्चे शिवपुराण में जाने लगे, घर के पत्नी अगर बहुत देर तक मोबाइल में शिवपुराण सुनती रहे तो पति उसको टॉर्चर करने लगता है, तू तो चली जा सी और जा। घर की माँ टीवी खोलकर आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक नांदेड़ की कथा देख रही है तो घर के बहुएं कह देती हैं, मम्मी तुम तो पागल हो गई, कितनी बार कथा सुनोगी, कितनी बार, महाराज जी तो कथा करते जाते और तुम सुनती जाती हो, कितनी बार सुनोगे। माँ को बहू से कहना चाहिए, बेटा रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज भजन जरूरी है। ये आत्म तृप्ति का विषय, इसमें गलती किसी दूसरे की नहीं, गलती हमारी है कि हम अच्छी चीज उसको देने से रोकते रहे। हम अच्छी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए,
बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाए, स्कूल में गया, तिलक को पुछवा दिया गया। बच्चे के हाथ में कलेवा बंधा है, मौली बंदी है, स्कूल गया, कलेवा खुलवा दिया। बच्चे की शिखा है तो स्कूल के बच्चे उसको खिल्ली उठाना। हमारी गलती है इसमें, कोई दूसरे की गलती नहीं। कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर मैं धन्यवाद देता हूं लिंगायत संप्रदाय के एक एक भगवान शंकर के भक्त को, मैं लिंगायत संप्रदाय के एक एक शिव भक्त को धन्यवाद देता हूं जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की नारी, जिसके घर का पुरुष, जिसके घर का बेटा, जिसके घर का बुजुर्ग, जिसके घर का एक एक बच्चा मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है और गले में शिवलिंग धारण करता है। त्रिपुंड लगाकर बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज की लड़कियां हंसती हैं, क्यों त्रिपुंड लगा के आ रही है, लोग हंसते हैं, पर वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी सर पर त्रिपुंड लगाकर छाती से कहती है मैं शिव की बेटी हूं इसलिए त्रिपुंड लगाकर चलती है। वो लिंगायत संप्रदाय की बेटी मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर कहती है कि मैं शंकर की बेटी हूं। हमारे बच्चों को तिलक लगाने में संकोच होता है, स्कूल जाएंगे बच्चे हंसेंगे, लोग हंसेंगे, त्रिपुंड, मम्मी मेरी बुआ ने राखी बांध दी बहुत सारी, खोल दो, मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा, इतनी सारी राखी मैं स्कूल में पहन के नहीं जाऊंगा, क्यों बच्चे हंसेंगे, मम्मी मेरे हाथ की राखी खोल दो, मम्मी मेरे हाथ का कलेवा खोल दो। और माँ उसके हाथ की राखी भी खोल रही है, माँ उसके हाथ का कलेवा भी खोल रही है। जिसका बेटा बचपन में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। वृद्धाश्रम की सीढ़ी वो चढ़ता है जिसने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा। जिसने अपने संस्कारों से विहीन रखा। और खुशी होती है आप लोगों को देखकर, ये लाखों की संख्या में पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हैं, ग्राउंड में अलग से, कोई गाड़ियों पर, कोई टेंटों में, कई पेड़ के नीचे, कहीं 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 कहाँ, कई लोग रोडों पर गाड़ियां लगा लगा के उसके फाटक खोल खोल कर कथा सुन रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो ये सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागा है, सनातन धर्म लाखों की संख्या में जागृत हुआ। जिस समय पर वारकरी समाज के, वारकरी संप्रदाय के हरि विठ्ठल पांडुरंगा के भक्त मस्तक पर तिलक लगाकर, सिर पर टोपी लगाकर, गले में मंजीरा डालकर विठ्ठल 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 विठ्ठल, आषाढ़ी एकादशी के समय पर जब लाखों की संख्या में रोडों पर बारी करते हुए निकलते हैं, तब हमको प्रेरणा देते हैं कि घबराना मती, जब ये पैदल चलने वाले 300-400 किलोमीटर चलकर हरि विठ्ठल तक पहुंच जाते हैं, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी हरि विठ्ठल तुम्हारे घर पर पहुंच सकता है। वो पांडुरंगा, वो हरि विठ्ठल, मां रुक्माई एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच सकते हैं। तुम विश्वास तो करो, तुम भरोसा तो करो, तुम दृढ़ता तो धारण करो। मेरे भगवान शंकर को सबसे पहले, मेरे भगवान शंकर को भक्त वत्सल्य कहा गया।
भक्त वत्सल भगवान की। मेरे शंकर को, मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव को, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे वेद्यनाथ को सबसे पहले भक्त वत्सल कहा। क्यों, किस लिए? केवल एक कारण था, किसी का नाम अगर रखाता है तो ऐसे ही नहीं रखाता, उसकी कुछ ना कुछ उसमें तत्व होगा। मेरे भगवान ओगरदानी को भक्त वत्सल्य कहा गया, उसका एक कारण था, बहुला नाम की एक गाय, बहुला नाम की एक गौ माता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रहे, दूध पिलाते पिलाते मनोरथ जब दूध पी रहा था तो उसके मुंह पर फेन आ गया, और मुख पर जब फेन आया हवा तेज चली और वो फेन उड़कर शंकर भगवान पर जाकर गिर गया, शिव पर जाकर गिरा। भगवान ओगरदानी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे ऊपर ये झूठा फेन मेरे शरीर पर आ गया। कई लोगों का कहना रहता है शिव जी को जल चढ़ता है, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, शंकर भगवान को मधु चढ़ता है, शंकर भगवान को शकरा चढ़ती है, भगवान शंकर को दही चढ़ता है, भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। तो हमने तो ये देखा है कि जल मछली ने झूठा कर रखा है, दूध बछड़े ने झूठा कर रखा है, शकरा मधु ये सब झूठे। मेरे शिव झूठे जल को भी स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव मछली के झूठे जल को स्वीकार करते हैं, मेरे शिव गाय के बछड़े के झूठे दूध को स्वीकार करते हैं, तो मेरे शिव इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसा झूठेला भी है तो भी शिव उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। शिव है वो, उसका नाम भक्त वत्सल्य है। उसको भक्त वत्सल्य कहते हैं, वो साधारण नहीं है, उसको समझना, उसको सहज कितने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने कितने वक्ता शंकर भगवान का गुणगान करते करते चले गए, और ना जाने कितने और आएंगे और गुणगान कर कर चले जाएंगे, पर शंकर को समझना किसी के बस की बात नहीं है। शिव शिव है, शंकर को समझना किसी साधारण के बस की बात नहीं। शिव को समझने के लिए कल आपको कथा में कहा था, शंकर को समझने के लिए शिव जैसी भक्ति, शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी श्रद्धा, शिव जैसी दृढ़ता, शंकर की जैसी भक्ति और शंकर जैसा विश्वास, शिव जैसी दृढ़ता होना जरूरी है। कितने जन्म लिए, कितने चले गए, शिव को कौन जाने, शंकर को कैसे पहचाने। शिव को जान कैसे सकते हो, शिव को पहचान कैसे सकते हो। बहुत कठिन है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर गोवर्धननाथ हवेली गोलोकवासी, और उन्हीं की गादी पर विराजमान हुए गोलोकवासी 1008 श्री देवकी नंदन महाराज श्री, जो हमारे गुरु गादी पर विराजमान हुए, हमारे गुरु भी गोलोकवासी हैं और परम पूज्य 1008 श्री देवकी नंदन महाराज जी भी
गोलोकवासी है। जब हमारे गुरु जी इसके पास में जाते थे और हमारे वो अभी अभी वर्तमान में हमारे काका जी महाराज की गादी पर जो पूज्य 1008 गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजमान हुए, उसके बाद अब उनके पुत्र 1008 श्री दिवेश कुमार जी विराजमान है। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जा, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान दूसरा मान, एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। यह हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो, वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं है, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए, हम नहीं पहनते, आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि एक बेटी ने 4 साल पहले, छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने जो कि रिक्शा चलाती है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था तो उसने अंग वस्त्र दिया था, कहा गुरुजी मैंने 45 रुपये का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच होगी, क्या विचार। प्रयास करो, अभिमान और मान हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों दूर। मान आएगा, रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जय जय जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्मपत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक रावण को समझाते रहे, पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर लिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है, फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते। अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर दे रहा हूं, तू पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर देना,
कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए, कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिभ्या को क्लीन रख, बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं, तुमसे तो अच्छे हापसी का पानी हेडपंप का पानी पीने वाले हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। अपन फिल्टर का पीकर भी फिल्टर जैसे नहीं हुए तो क्या मतलब, अपनी वाणी फिल्टर ना कर पाए तो क्या मतलब। शिव को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुला अपने बेटे को दूध पिला रही है मनोरथ को, और मनोरथ को दूध पीते पीते वो फैन, मनोरथ का दूध पीते पीते फैन शिवजी के ऊपर चले गया, झूठा फैन गया। तब शिव ने स्वीकार कर लिया कि आज गौ माता ने मेरे ऊपर झूठा फैन दिया है, तो मेरे ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी मैं स्वीकार करूँगा। मछली का झूठा जल शंकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वाला जब दूध निकालता है तो पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़ा जब गाय का दूध मुख में ले लेता है तब ग्वाला बछड़े को हटाकर दूध निकालता है। दूध झूठा है, पुष्प भवरे ने झूठा कर दिया, बेलपत्र इल्ली ने झूठा कर दिया। झूठे को भी मेरा शिव स्वीकार कर, शिव स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई उसे मछली भी झूठा लगा, तेरी पूजा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा, तेरी पूजा में फूल ले आई उसे भवरा भी झूठा करूं, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं। झूठा दूध, झूठा फेन, मनोरथ ने जो दूध मुख में लिया, बाजू में उसके दूध पीते पीते फेन आ गया, फेन उड़ा शंकर पर चले गया, शिव क्रोधित हो गए। शिव क्रोधित। कई माताएं प्रश्न करती हैं, गुरुजी घर से पानी भरकर ले जाएंगे, मटके का पानी भरकर ले जाएंगे, हंडे का पानी भरकर ले जाएंगे, झूठा हुआ तो, बच्चों ने हाथ डाल दिया तो। तुम्हारा मन शुद्ध हो, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। और जिस दिन तुम जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव मुझे स्वीकार करेंगे, मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शंकर मुझे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे मन में भाव तो लाओ, विश्वास तो केंद्रित करो। झूठा फेन शंकर जी पर गया, शिव क्रोध करेगा,
जैसे ही देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया, बहुला गाय ने देखा कि मेरे बेटे मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान आगे आए हैं। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और श्वास खींचकर शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में गौ माता ने रख लिया। गौ माता अपने पेट में शिव को रख लिया। ये पृथ्वी पर जो गौमाता है, तुम्हारे दरवाजे पर जो गौमाता आती है, तुम्हारे दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, एक रोटी के लिए गौमाता पहुंचती है। गौशाला में जिन गौमाता की सेवा हो रही है, ग्वाले गौमाता को अपने घर में रखकर जो सेवा कर रहे हैं, ये गौमाता कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरा शिव, और केवल शिव ही नहीं, कहते हैं शिव के साथ में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जहां शंकर है वहां 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर शिव हैं तो 33 कोटि देवता विराजमान। मैं ब्रज के, वृंदावन के संत शिरोमणि 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को नमन करता हूँ। वो अपनी वाणी में, वो अपने प्रवचन में, वो अपने शब्दों में, अपनी व्यासपीठ से गौ माता के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं, और एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं, एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। और मैं माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनका एक वीडियो हमने कल हमारे को आशीष जी ने दिखाया कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक घोषणा करी है कि जो ग्वाला, जो व्यक्ति अपने घर में 10 गौ माता की सेवा करेगा उसको सरकार अनुदान देना प्रारंभ करेगी। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत। मैं माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आपका यह निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए श्रेष्ठतम है। गाय केवल गौशाला में नहीं होना चाहिए, गाय रोड पर नहीं होना चाहिए, गाय कांजी हाउस में नहीं होना चाहिए, गाय हमारे खुद के हाउस में होना चाहिए। उसमें शिव बसता है। गौ माता की सेवा करने की हो, हमने तो पहले अपनी व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक मैसेज छोड़ा था कि कुछ ना करें तो पूर्व में हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, तो पाठ्यक्रम में लिखने को निबंध आता था, गाय का निबंध। आपको भी आया होगा गाय का निबंध, गौ माता का निबंध लिखो, और हम बड़े शान से लिखते थे। तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता था गाय की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होता है, उसमें देवता का वास होता है, उसकी पूजन करी जाती है गोपाष्टमी पर, ऐसा वैसा हम पूरा पूरा वर्णन करते थे। गाय का दूध इस कार्य में आता है, गाय का गोबर खाद के काम में आता है, गाय के खुर की लोचन हमारे को तिलक लगाने के काम आती है, गाय का सींग उसका ये कार्य बनता है। हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, निबंध में लिखते थे। आज के जमाने में गाय का निबंध गायब कर दिया गया। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध और गौ माता का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गौ माता का पाठ्यक्रम होना जरूरी है, गौ माता का पाठ्यक्रम आना जरूरी है।
केवल कांजी हाउस तक या गौशाला तक गाय को ना रखा जाए, रोडों पर घूमती हुई गाय को ना रखा जाए, उस गौ माता को अपने घर में भी रखा जाए, उसकी सेवा, उसकी पूजन करी जाए, उसकी अर्चना करी जाए। ये एक सुख का विषय है, सुख का विषय। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। बहुला गाय के हाहाकार मच गया चारों तरफ, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं है, कहां है शंकर, कहां शिव है। भगवान शंकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिलता। तब पार्वती जी आई हैं और पार्वती जी ने आकर गौ माता को देखा, गौ माता को बहुला को प्रणाम किया माता पार्वती ने और कहा, बहुला मेरे पति यहाँ आए थे, बैठ के तब साधना कर रहे थे, तूने कहीं मेरे पति को देखा। बहुला गाय कहती है कि पार्वती जी आपके पति को तो मैं निगल कर अपने उदर में ले गई हूँ, अपने उदर में ले गई। हाँ क्यों, मेरे बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, उसके मुंह पे फेन आ गया था, वो फेन के कारण भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आया, कहीं उनको मार ना दे, इसलिए मैंने शिव को निगल लिया। गाय कहती अब शिव तो मेरे पुत्र के रूप में है। लोग कहते हैं शंकर जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर भगवान का गण है, शिव जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर का गण है। कभी दक्षिण में जाकर देखना, कई मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर है और शंकर मंदिर के बाहर है। शिव का एक रूप है नंदीश्वर, और नांदेड़ वालों को तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे नांदेड़ का नाम नंदी पर है। जब माता गोदावरी त्र्यंबक की भूमि से निकली, और माता गोदावरी जब त्र्यंबक की भूमि से निकलती हैं, कल कल करती हुई जाती हैं, और नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए लेकर जाता है, तो नीलकंठ पर जब शिव जी तप साधना करने बैठते हैं, गंगा नदी के उस अविरल धारा में शंकर भगवान की पांच बेटियां प्रकट होती है, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, शिव जी की पांच बेटियां जब प्रकट होती है गंगा की धार पर, तब नंदी देख रहे थे, और देखते देखते नंदी ने देखा कि गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा है, गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा वो गंगा सम्मुख में खड़ी है। तो नंदी कहते हैं, गंगा तो चिंता मत कर गोदावरी, क्यों चिंता करती है, मैं शिव को लेकर आऊंगा, शंकर को लेकर आऊंगा, और तेरे भूमि पर शिव को लाकर तुझे ज्ञान उपदेश दिलवाऊंगा। एक गंगा शंकर की जटा पर है तो गोदावरी गंगा शंकर के मुख पर है, तू क्यों चिंता करती है गोदावरी, मैं आऊंगा लेकर। और नंदी ने वचन दिया, जब नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराते कराते इस पवित्र भूमि पर रुकते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र भूमि पर आकर क्यों प्राण त्याग दिए, क्यों, ये पवित्र भूमि को जानना कठिन है, इसको पहचानना कठिन है। भगवान नंदी शंकर पार्वती को भ्रमण कराते हुए लेकर आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते भूमि पर रुक जाते। तब माता गोदावरी ने स्वयं त्र्यंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा, मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा। तब नंदी ने कहा, तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोक कर नंदी चले जाते हैं, शंकर भगवान नंदी को आवाज लगाते हैं, नंदीकेश नंदीकेश नंदीकेश, तो इस भूमि का नाम नांदेड़ पड़ जाता है, केवल नंदीकेश के नाम से। और गोदावरी को उपदेश भगवान शिव प्रदान करते हैं। आज तो कितनी किस्मत है साहब, इस नांदेड़ को तो हम कहें कि साधुवाद है, आपके नांदेड़ में इतने शिव भक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार, एक एक चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर, यह हमारा नांदेड़ का गौरव है।
ये हमारे नांदेड़ का गौरव है। इस कथा को किसी पार्टी विशेष से नहीं लेना कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है, नहीं, इस कथा को अपनी लेकर चलना कि हमारे नांदेड़ का एक गौरव है। शिव महापुराण की कथा, इतने शिव भक्त कब आएंगे इस नांदेड़ में, कब आएंगे? पहुंचे हैं, शिव की स्तुति है। शिव स्तुति का केंद्र बिंदु है नांदेड़ को समझो। इसको समझना जरूरी है। पार्वती हाथ जोड़कर बहुला से कहती है, मेरे पति आपके उदर में, हाँ, उनको प्रकट करिए, प्रकट। बहुला कहती हैं, आप वचन दो, मेरे बेटे का झूठा फेन शिवजी पर चढ़ा, उनको क्रोध आया, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर, अगर शंकर को अपना कोई झूठा भाग भी दे दे तो शिव को क्रोध ना आए। कभी आपने किसी राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, देवी जी की मूर्ति को, देवता जी की मूर्ति को, गुरु जी की मूर्ति को, कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव, कोई गाय, कोई बंदर, कोई जीव उनकी मूर्ति के पास आ गया हो? केवल एक शंकर ऐसे हैं जिनकी शिवलिंग के पास स्वान भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, पक्षी भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, कोई अपनी जिभ्या से चाट भी लेता है, कोई उनको कोई भोग भी लगा देता है, कोई कुछ लाकर चढ़ा भी देता है, शिव स्वीकार करते हैं। गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जितने भी जीव हैं, शिव सबको स्वीकार, सबको स्वीकार। कभी कभी तुम पूजन करके चली जाती हो और मालूम पड़े कोई कुत्ता अंदर घुस गया शिवालय के पास में, तुम पूजन करके गई कोई गाय अंदर घुस गई, तुम पूजन करके गई शंकर जी को जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर गई कोई बिल्ली अंदर आ गई, कोई जीव अंदर आ गया, अपने को लगा कि बताओ ये तो जीव आ गया, ना ना ना, शंकर सबके। पार्वती जी वचन दीजिए कि शंकर पर कोई वस्तु चढ़ जाए तो क्रोध ना आए, क्रोध ना आए। आज दुनिया के लोग YouTube पर बैठ बैठ कर अपनी भाषा में कहते हैं, शंकर को ये मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर को वो मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को ऐसा मत करना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को वैसा मत करना नाराज हो जाएंगे। शिव महापुराण अच्छे से सुनना, बहुला गाय ने पार्वती जी से वचन लिया कि कोई भूल से भी अगर शंकर को कुछ चढ़ा दे, झूठा भी चढ़ा दे, तो शंकर को क्रोध ना आए। तब पार्वती जी ने वचन दिया, पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कड़प डाकू का। कड़प डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक ब्राह्मण को, पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था, उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कड़प ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया, देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते, 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है, लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया, कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती, शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं, हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया
और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगा दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। अगर माता पार्वती से वर ना मांगा गया होता तो शंकर भगवान कड़प पर क्रोधित हो जाते, पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती, आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़े प्रीत, खाली नहीं जाती है। प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए। वो कहते हैं ना, एक एक लाइन में स्मरण किया, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जान सकती हूं या वो जान सकता है उसको, हम इसका स्मरण नहीं कर सकते, ये वो जान सकता है कि उसकी प्रीत कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, मैं गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनंदा कापसे, पति का नाम ज्ञानेश्वर कापसे, गंगाखेड़ जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था, 2 साल तक काम चला, कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर। कितना लोन, जम के बोलो जरा, 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। अगर कहीं बैठे हों सुनंदा कापसे और ज्ञानेश्वर जी कापसे तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते हैं। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया, जमीन मकान सब लोन में रखा हुआ था, प्लाट खेती जेवरात सब चले गए थे, कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारण बस हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया, घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई
महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा, सबने कुछ ना कुछ बताया, हमने सब कुछ किया पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया बढ़ता गया, करें क्या। तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी, और उस समय पर कथा पल्ली बैजनाथ में चल रही थी। पल्ली बैजनाथ में जैसे ही कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और पल्ली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चल चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है, किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे। पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन पल्ली बैजनाथ चलते हैं। पल्ली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी, केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पंडाल में बैठकर सुनी। आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या। तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं, पर गांव गए और दूसरे गांव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा हम दोनों ने, लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छीट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज आके तकाता करते और हम जल छीटना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, शंकर के जल में तो वो चुंबक है कि शिव भंडार भर ही देता है। धीरे धीरे करते करते दुकान चलना प्रारंभ हुई और अब बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया, हमारी जमीन हमारा प्रॉपर्टी वापिस मिल गया। आज बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने हमारी बना दी। मैं बाबा को धन्यवाद, मैं शिव को धन्यवाद देता हूँ। हमारा खुद का शादी लॉन है, हमारी खुद की गाड़ियाँ, मैं शादी लॉन का फोटो भी लगा रही हूँ, गार्डन का सब बाबा ने दे दिया, कोई कमी। एक विश्वास अपने भीतर हम उत्पन्न तो करें। कई दुनिया के लोग आपसे कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ जल घर में मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, कोई कहेगा शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, उसको यह पत्र ले जाकर मोबाइल नंबर समेत दिखा देना और गंगा खेड़ा भेज देना उसको। शिव क्या है, शंकर क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति क्या है। इस पंडाल में हम इतने पत्र नहीं बोल रहे हैं, इस पंडाल में इतने माताएं बैठी हुई हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, किसी के यहाँ 6 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 21 साल में भगवान ने संतान दी है। अब इतने सारों को मैं यहाँ पर बुलाऊं नाम बोल बोल के, तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। लोग कहेंगे महाराज पत्र ही पत्र पढ़ दिया। इसलिए जिन जिन को भगवान ने औलाद दी है, 5 साल जर साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल, एक बार अपने अपने बच्चों को लेकर जिनको दिया है, बाबा की हाजिरी में सम्मुख में खड़े हो जा। जिनको दिया, इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे, कोई को 12 साल में, कोई को 4 साल में, किसी को 6 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में, हो जाओ खड़े जरा। हाँ हो जाओ। साधु था, हाँ हो जाओ हो जाओ, उधर भी हो जाओ, हो जाइए, साधु था। प्रणाम आप लोगों को। ये शिव भक्ति है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, दिखाओ इनको, किसी के यहाँ 12 साल, किसी के यहाँ 15 साल, ये पत्र बहुत सारे हैं, हम इनको कैसे पढ़े इतने सारे पत्रों को, इसलिए हमने एक बार में ही सबको खड़ा कर दिया।
कैसे पढ़े इतने पत्र? और लुटा दिया भंडार काशी। बैठिए, बैठ जाओ, साधुता आपको भोले बाबा की कृपा बने। और कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी बनाई, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी बनाई, और जब विश्वास भरोसा दड़ी हो जाता है तो शिव मिलता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देगी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। एक विश्वास, एक लगन, एक पत्र देखिए। मैं सो प्रेमलता प्रेमला खुशाल राव नेंता बाजे सिड़को नांदेड़ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं सो प्रेमला खुशाल राव नेंता बाजे सिड़को नांदेड़ से आई हूँ, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आप ही हैं ऐसा हाथ हिला आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। सिड़को नांदेड़ से आई, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा देवर को 2 महीने पहले नाक के ऊपर गठान हुई थी, तहसील लोहा जीरा नांदेड़ में 2-3 हॉस्पिटलों में उसको दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाते दिखाते बताया कि इसको कैंसर की गांठ है, इसको कैंसर की गांठ है। अब कैंसर की गांठ हो गई, हैदराबाद रिपोर्ट कराई, कैंसर की गांठ आई, करें तो करें, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, गठान निकालेंगे फिर और जांच के लिए जाएगी, मालूम पड़ेगा कौन स्टेज है क्या है, परेशान। देवर को परेशान देखकर मन में बड़ा दुख हुआ, हमने हमारी देवरानी से कहा कि तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर दो, हैदराबाद में ऑपरेशन के लिए बाद में जाएंगे, पहले पशुपति व्रत करेंगे और शंकर का चढ़ा हुआ जल इनको पिलाएंगे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, बेलपत्र देने लगे, और देने के बाद वापिस हैदराबाद गए जांच के लिए, तो हैदराबाद के डॉक्टर ने कहा इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जो गठान थी वो गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये केवल ऐसे ही सिद्ध नहीं होता, ये सिद्ध होता है हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से, हमारी दृढ़ता से। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता प्रबल होती है तो शिव हमारे सम्मुख में होते हैं, शिव हमारे सम्मुख। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग,
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंतो छीना मैं कटी जावांगी। विश्वास मूल है। बहुला गाय ने कहा पार्वती जी वचन दो शंकर भगवान पर, अगर कोई भूलवश कोई बच्चा कोई जवान कोई बूढ़ा कोई व्यक्ति कोई जीव कोई जंतु कोई छलचर कोई थलचर कोई वायुचर कोई पक्षी कुछ दे भी दिया तो शिव उसको स्वीकार करे, शंकर उसे स्वीकार करे। क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा ठीक है मंजूर ठीक है। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान में लीजिए। आज का मनुष्य अपराध कहीं करता है, पाप कहीं करता है और क्षमा कहीं मांगता। अपराध कहां करा, झूठ कहां बोला, दुकान पर बैठकर। एक का दो कहां करा, दुकान पर बैठकर। छल कहां करा, व्यापार के साथ में, नौकरी के साथ में। कुछ गलत बोल दिया किसी को चौराहे पर, किसी को अपशब्द बोल दिया दुकान पर। अपराध कहां करा, दुकान पर। छल कहां करा, नौकरी में। गलत कार्य कहां करा, दूसरी जगह। और क्षमा मांगने कहां जाता है, भगवान मुझे क्षमा कर देना, मंदिर के अंदर। अपराध कर रहा है बाहर, गलती कर रहा है बाहर और क्षमा कहां मांग रहा है, मंदिर में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां अपराध हो, जहां गलती हो, जहां पाप हो, क्षमा भी वहीं मांगी जाए। इसलिए शिव पुराण कहती है कि दुकान पर बैठकर अगर हम गलत बोल रहे हैं, दुकान पर बैठकर हम छल कर रहे हैं, नौकरी में धंधे में हम कहीं ना कहीं कोई गलत बोल दिए हैं, गलत विचार रख दिए हैं, तो प्रतिदिन नौकरी में भी शंकर भगवान को प्रतिदिन हमसे झूठ बुल गया तुरंत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमसे गलत बुला गया तुरंत नमः शिवाय, हमसे गलत बुलवा गया ओम नमः शिवाय। अपने मुख से उच्चारण कर लो जिससे हमारा पाप, बाबा से विनती करो मैंने झूठ बोला था क्षमा कर देना, मैंने गलत करा क्षमा कर देना, मैंने ऐसा किया क्षमा कर देना। बाबा से विनती कर उसको क्षमा वहीं पर मांग, उसी स्थान पर मांग, उसी जगह। क्षमा वहीं मांगी जाए जहां अपराध हुआ, क्षमा वहीं मांगी जाए जहां हम अपराध करें हैं। कई लोग ऐसे हैं कथा के पंडाल में भी आते हैं, कोई झगड़ा कर लेता है, कोई लड़ लेता है, कोई विचार कर लेता है, नहीं मेरी जगह थी, मेरे को बैठना था, मुझे पास मिला था, मेरे को बैठना था, मैं तो वहाँ बैठी थी, मैं तो वहाँ बैठा था, मैं तो ये, मैं तो मुझे जानते नहीं हो, ना ना अपराध हुआ है ना क्षमा मांग लो। उसी कथा में भैया बोले ना क्षमा करना, मुझसे गलती हो क्षमा। सबसे सरल देव हैं, दुनिया के लोग कहते हैं शिव रुद्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव आशुतोष है, सबसे सरल देव, देवदिदेव महादेव, सबसे सरल देव, देवदिदेव महादेव। और कर्पूर गोलम करुणावतार संसार सारम भुज भवम भवान। तो हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, दिल से बाबा से अपने मन की बात जो कहने आए हो बाबा से वो कहिएगा, सब साथ में बोलेंगे। नमस्तु श्री शिवाय।
नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से, अपने हृदय से बाबा को नमन करते हुए, दिल के हृदय से बाबा से प्रार्थना करो। शिव ओघड़दानी है, करुणा करता है, उसकी कृपा होती है। मेरे शंकर का प्रथम नाम है भक्त वत्सल्य भगवान शिव। बहुला गाय पार्वती जी से वचन दिलवाती हैं, पार्वती जी वचन दे देती हैं। अब मूल प्रसंग है कि भक्त वत्सल्य भगवान, भक्त वत्सल्य भगवान शिव। पार्वती जी ने निवेदन किया, पार्वती जी ने प्रार्थना करी, और माता पार्वती जी ने जब प्रार्थना करी और प्रार्थना करा तो भगवान शिव बहुला गाय के उदर से प्रकट हुए। बहुला गाय, शंकर भगवान बहुला गाय के उदर से प्रकट हो। ये जो कोरोना महामारी में कर्जा हो गया था और सब कुछ चला गया था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि खूब खूब प्रदान किया। शिव कृपा, एक ओघड़ दानी की करुणा, एक ओघड़ दानी की कृपा सहज में। जिसने दिल से पुकार लिया उसको मिल गया। विश्वास के साथ आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, रोडों पर बैठे हो, बाहर ग्राउंड में बैठे हो, धूप में बैठे हो, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल, अपना आसन लेकर बैठे हो। और कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके भीतर है शिव को पाने की, शिव को प्राप्त करने की।
और क्यों ना मिले, क्यों नहीं? एक पति पत्नी टीचर है, उषा मुंडे जिला परभणी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उषा मुंडे जिला परभणी से हूँ, कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ, आ जाइए बेलपत्र लेकर चलो। मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। मेरे पति 25 दिसंबर 2022 को भीषण आघात हुआ, उनके सिर में चोट लगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, रक्त निकलना चालू हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए तो सर्जरी हुई। सर्जरी में मालूम पड़ा कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये जिंदगी भर पैरालिसिस में रहेंगे, उठ जाएं ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार इनका मस्तिष्क खुल गया तो इनका ब्रेन काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने हमसे पर्चे पर साइन करवाया, हमने फॉर्म भरा और डॉक्टर ने कहा कि भरोसा नहीं है कि ये जागेंगे नहीं जागेंगे, इनका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, पैरालिसिस जैसी बीमारी रहेगी, घर में पड़े रहेंगे। अब करते तो क्या करते, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, काम करना बंद कर दिया था, चोट लग गई थी, वेंटिलेटर पर तो पड़े ही थे, वेंटिलेटर पर पड़े 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 समय निकलता गया। आखिरी में डॉक्टर बोला कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर इनको लेकर जाओ। हमने ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद वेंटिलेटर से वो 15 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना उठे ही नहीं, वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े रहे, कोमा। अब कोमा में पड़े समय निकलता गया, तब हमारे उम्मीद पूरी चली गई। तब हमारे एक रिश्तेदार मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने पहली बार हमको पशुपतिनाथ के व्रत में बताया। 7-8 महीने कोमा में पड़े पड़े निकल गए वेंटिलेटर पर, तब पशुपति व्रत पहली बार हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। इतने में एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो वो सीहोर का रुद्राक्ष देकर चले गए, सीहोर का कंकर देकर चले गए। हम कंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाते, पति के शरीर पर लगा देते, क्योंकि कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे, कोई चांस? डॉक्टर तो कह रहा था कि इनको ले जाओ, क्या करें? लगाते लगाते केवल 3 दिन हुए, चौथा दिन आया, रुद्राक्ष का सीहोर के रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगा देते, बेलपत्री उनके पास में रख देते, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चौथे दिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चौथे दिन दाहिना हाथ हिलाया, फिर थोड़ी सी पैर के अंदर हलचल हुई और पैर में हलचल होने के बाद फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भजन पूजन है कहीं काम आ रही है, और 8 महीने बाद वेंटिलेटर से कोई उठता नहीं है, सीधे चले ही जाता है, पर इनका हाथ पैर हिला है। और धीरे से फिर उन्होंने आँख खोली और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि अब 90% उनका शरीर काम करने लगा और वो ठीक हुए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, लोग कहते हैं क्या शिव करुणा करता है, मैं छाती ठोक कर कहती हूँ अध्यापिका होने के बाद भी कि भगवान शिव सुनता जरूर है और करुणा करता जरूर है। मेरे पति का फोटो लगा रही हूँ जिसमें वो वेंटिलेटर पर पड़े रहे तब का, और वेंटिलेटर से उठने के बाद ठीक हुए तब का, और अब मेरे पति की दशा जो है पूर्ण तरह से ठीक है, मैं उनका भी फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, और बाबा को धन्यवाद देने के लिए नांदेड़ आई हूँ, धन्यवाद। एक फोटो जो लगाया वेंटिलेटर का, आप LED पर देख रहे होंगे, चैनल पर देख रहे होंगे,
कोमा में पड़े हुए, फिर शरीर काम करा, उसके बाद अब शरीर की स्थिति ये हुई। शिव तत्व है, शंकर ओखड़ी है, शिव ओखड़ी। हमारा भरोसा, हम जितना जितना शिव पर करते हैं, हम जितना जितना विश्वास शंकर पर करते हैं, शिव उसको पूर्ण करता है, पूर्ण। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, एक लोटा, सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व को जानने वाला खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। बहुला पार्वती जी वचन दिए, शंकर भगवान को बहुला ने प्रकट किया। बहुला गाय देखी है आप लोगों ने, गौ माता का दर्शन किया है। गौ माता का दर्शन किया होगा तो गाय का जब बछड़ा होता है, गाय के बछड़े को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। साफ कौन करता है? गाय अपनी जिभ्या से चाट चाट कर गाय अपने बछड़े को साफ कर देती। मां के, गौ माता के उदर में, गाय माता के उदर में जब तक बछड़ा रहता है, उसके शरीर पर जो मल आदि लगा रहता है, गाय उसको जीवान से चाट चाट कर साफ कर देती, साफ क्लीन कर देती। शिव जी का नाम भक्त वत्सल्य शिव है, भक्त वत्सल्य। बोल भक्त वत्सल्य भगवान की, भगवान शंकर का नाम भक्त वत्सल्य शिव है। गौ माता ने शंकर भगवान को पुनः प्रकट करा और प्रकट करने के बाद गाय को लगा कि ये मेरा बछड़ा है, मेरा पुत्र है। गाय अपनी जिभ्या से चाटना प्रारंभ करी। शिव ने पूछा, गौ माता ये क्या कर रही हो? गौ माता तुम ये क्या कर रही हो? गाय कहती है कि मैं अपने वत्सल्य भाव को चाट कर साफ कर रही हूं। शिव कहते हैं, माँ मेरे लिए कोई आज्ञा? गौ माता कहती है, जैसे मैं तुम्हारे अपने बछड़े के शरीर पर लगे हुए सारी गंदगी को साफ कर देती हूँ। गाय कहती है, गौ माता कहती है, शिव तुम्हारे मंदिर में आकर, तुम्हारे शिवालय में जो एक लोटा जल समर्पित करे, तुम भक्त वत्सल्य बनकर उसके भी सारे पाप को चाट कर समाप्त कर दे, उसके पाप, उसके भीतर का बेकार कर्म, उसके भीतर का बेकार कोई कर्म हो गया हो, उसको समाप्त करो, समाप्त। शिव के करीब में जाया, शिव के पास। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चे नहीं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सबका फर्ज है कि शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो, सबको जा। एक बेटी ने पत्र लिखा, श्याम सुंदर जी जांगिड़, आ जाओ।
हमारे बीच में परवणी से सांसद महोदय श्री संजय जाधव जी बंडू भैया पधारे हैं, जो पूर्व में भी कथाएं करवा चुके हैं और पंडरपुर में भी और परवणी में भी उन्होंने कथा करवाई है। मैं जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन आए हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं, व्यासपीठ के पास आ जाइए। मैं श्याम सुंदर जांगिड़, कहीं बैठे हैं श्याम सुंदर जांगिड़ जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो, ये पत्र भेजा है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। मैं श्याम सुंदर जांगिड़ इस पत्र के माध्यम से बाबा का मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूँ। इस पत्र में जो मैं लिख रहा हूँ मेरी जिंदगी को बदला है मेरे बाबा ने। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं जांगिर। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था, हैदराबाद में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने मुझे पूर्ण तरह से कह दिया गया था कि यह ठीक होना नहीं। 20 कीमोथेरेपी और 36 कीमोथेरेपी अलग अलग बताई। अजय आपने पूर्व में पंडरपुर हो चाहे कुबेरेश्वर धाम का, जो कुबेरेश्वर धाम पर पानी की बोतल की व्यवस्था करी गई थी इस वर्ष पूरी बंडू भैया ने बड़े भाव से करी, और पंडरपुर में भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था, डॉक्टर थेरेपियों का बोल दिए और आखिरी में भी डॉक्टर ने कह दिया कि कोई भरोसा नहीं। तब मैं भगवान शंकर का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी की एक मित्र ने हमें सीहोर का रुद्राक्ष दिया और हमने उस रुद्राक्ष को गलाकर शिव पर जल चढ़ाना, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि इतने कीमो लिखे गए थे पर इतने कीमो मेरे हुए नहीं और बाबा ने मुझे संभाल लिया और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। कहीं पर अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत किया, भगवान शिव का नाम भक्त वत्सल्य है। गौ माता ने कहा बाबा भोलेनाथ से मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में प्रकट किया है अपने उदर से, कृपा कर। अगर कोई जल चढ़ाने के लिए आए, कोई जल चढ़ाने के लिए अगर आपके शिवालय में आपके देवालय में पहुंचे और जल चढ़ाए तो मेरे भोले बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उसके दुख को, उसके पाप को, उसके कष्ट को जो जल चढ़ाए, जैसे मैंने अपनी जिभ्या से आपको साफ किया है, अपने बछड़े को साफ किया है, उसी तरह आप भी जो जल चढ़ाने आए उसके सारे दुख तकलीफ को समाप्त कर देना, उसके कष्ट को समाप्त कर। और शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे दुख काट दया कर। शिव को प्राप्त करने के लिए शंकर ओ घड़ी को प्राप्त विश्वास की
विश्वास करो। कितना भरोसा, देखिए जरा, पांडवों का जब जब भरोसा डोला तब मेरे भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि शिव की आराधना करो। पांडवों का जब जब भरोसा डोला तो मेरे भगवान कृष्ण ने कहा शंकर की आराधना करो। जब स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में जाते हैं तब राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, लक्ष्मण ये मत सोचना कि तू अकेला जा रहा है, जिस शंकर को हमने एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव हमारे साथ रण क्षेत्र में जा रहा है, रण क्षेत्र में जा रहा है, वो शिव हमारे साथ में जा रहा है। शिव और तूच सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही वेलो वेली संकटा तुन तारसी मान केशवा माधवा तू जाना केशवा माधवा तू जाना। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के प्रति जागृत करें। क्यों नहीं आएगा शिव हमारे सम्मुख में, क्यों ना आए? वो एक लाइन महाराष्ट्र की मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघड़ना क्यों नहीं आएगा? आपके भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए, शिव स्तुति, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, राम कृष्ण भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त तो करो, विश्वास के साथ शिव को भजो। तो भगवान शंकर के साथ भगवान शिव की स्तुति करो। तो चडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार माता पार्वती जी से कह दिया, तारकासुर तो मर गया, तारकासुर के तीन बेटे हैं, तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीन पुत्र हैं तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीन पुत्र और तीनों प्रबल हैं। मां तारकासुर का संहार मैंने कर दिया, तारकासुर मारा गया, मां तू कहे तो इन तीन पुत्रों को भी मैं मार दूं, तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की को भी मैं पछाड़ दूं। नहीं, माता पार्वती जी ने कहा नहीं, इनको तुम्हें नहीं मारना, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पल, निश्चित घड़ी, निश्चित समय होता है, हर एक चीज का समय जरूर आता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं मध्य प्रदेश में घूड़े के भी दिन फिरते हैं, समय आता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, श्रद्धा साबुरी, थोड़ा सबर रखो, थोड़ा इंतजार करिए, और जिस दिन इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, परशु महापुराण की कथा कहती है चिंता बिल्कुल भी, जम के बोलो चिंता बिल्कुल भी मत करो, और अगर चिंता कर रहे हो तो चिंता को चेहरे पर लेकर आओ, अपने सामने लेकर आओ, चिंता को अपने अंदर लेकर मत जाओ। चिंता जब चित्त में जाती है तो बर्बाद कर देती है, चिंता जब बाहर आती है तो आबाद कर देती है। चिंता
अगर हो रही है, पैसा चले गया, धन चले गया, वैभव चले गया, ऐसा हो गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, बच्चे नहीं हो रहे, 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है, ये हो गया वो हो गया, मकान चले गए, दौलत चली गई, धन चले गया, चिंता 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 बाहर लाइए, आपके चेहरे पर चिंता होगी ना चल जाएगा, आपके मुख पर चिंता दिखेगी ना चल जाएगा, पर चिंता चित्त में ना जाए, चिंता मन में ना जाए, चिंता अंदर प्रवेश ना कर जाए। कर्जा हुआ है ना, होने दो। गाड़ी बंगला चले गया ना, चले जाने दो। गाड़ी बंगला बनाया किसने था, तुमने। कर्जा लिया किसने था, तुमने। जब तुम इतने प्रबल होकर अगर कर्जा लिए हो, तुम इतने प्रबल होकर गाड़ी बंगला बनाए हो, चले भी गया, चिंता मत करना, इस चिंता को चित्त में लेकर मत जाना, बाहर रखो, देखा जाएगा भोलेनाथ साथ में है, शंकर मेरे साथ में है, क्या चिंता करना, क्या चिंता करना, शिव मेरे साथ है, क्यों सोचूं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता, चिंता है बाहर रखी, बाहर। बहुत कई कई लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे, बहुत बहुत बैठे हैं। फसल अच्छी नहीं हुई गुरुजी, पानी ज़्यादा गिरा नहीं गुरुजी, पानी नहीं पड़ा गुरुजी, ऐसा हो गया गुरुजी, ऐसा हो गया, चिंता में पड़ गए पड़ गए पड़ गए पड़ गए, शरीर में रोग लग गया, घर से निकल नहीं रहे, मुख दिखा नहीं रहे, घर से बाहर जा नहीं रहे, पत्नी कह रही क्या हो गया, बोलो तो सही। पत्नी को कह दिया बहुत चिंता है मेरे को, बहुत चिंता है, खुद भी अंदर अंदर कुड़ रहा है, पत्नी को भी घुला रहा है, बच्चे को भी घुला रहा है, ना कितना भी चिंता है उसको बाहर रखिए, बाहर। जूता कहां रखते हो, घर के अंदर? नहीं, अभी तो 500 का आता है तो रखना ही पड़ता होगा, बाहर। जूता अगर बाहर है, चप्पल बाहर है, तो हमारी चिंता को भी हमको जम के बोलो साहब कहां छोड़ना है, बाहर छोड़, हमारे भीतर चिंता को उतार कर नहीं रखना, चिंता अगर अंदर आ गई तो तकलीफ दे जाएगी। अंदर क्या होना चाहिए, अंदर क्या हो, चित्ता नहीं, चित्ता भस्म धारी, त्रिपुंड धारी, त्रिशूल धारी, मेरा शिव भीतर प्रवेश कर जाए, अंदर अपने अपने भीतर, और फिर जब शिव अपने भीतर प्रवेश कर जाएगा, जब शंकर अंदर आ जाएगा, जब मेरा ओघड़दानी शिव भीतर प्रवेश कर जाएगा, तो फिर क्या सोचना। गौ माता ने भगवान शंकर को कहा तुम भक्त वत्सल्य हो, तुम भक्त वत्सल्य हो, एक गाय बछड़े को जैसे साफ करे, शंकर तुम्हारे मंदिर में आने वाले शिव, तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले, एक लोटा जल चढ़ाने वाले जीव के कर्म, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, उसको तुम साफ कर दो। अब इसमें आपका और हमारा रोल केवल इतना है कि आप इतना याद रखना कि जब दुख की घड़ी हो, तकलीफ की घड़ी हो, किसी के पास मत जाओ, शंकर के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल लेकर जरूर शिवालय, और फिर बाबा से कह कर भी आओ, बाबा से विनती कर कर आओ कि तुम आना भोले बाबा। तो भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा से निवेदन करिए, भाव से बाबा को विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात को भाव से दिल से प्रार्थना करिए।
श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो सिंह शंकर तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगल वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हृदय से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव ओघड़दानी है त्रिकालदर्शी है कैलाशी है अविनाशी है उपासना कर तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष ये तीन षडानंद कार्तिकेय जी कह रहे हैं क्या मैं इनका संहार कर दूं नहीं समय जब आता है समय जब आएगा सब कुछ करेगा थोड़ी प्रतीक्षा करिए थोड़ा इंतजार करिए थोड़ी प्रतीक्षा करिए शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता संसार पर करा गया भरोसा टूट सकता समय आया और ऐसा समय आया कि भगवान शंकर देवताओं को पशु बना तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की को एक जगह पर एकत्रित किया गया एक जगह पर एकत्रित किया और जब एक जगह पर एकत्रित किया और एकत्रित कर भगवान शंकर स्वयं बड़े नंदी का रूप धारण कर दौड़ते हुए गए और जाकर उन्होंने तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष तारकाक्ष ने फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा सिर कटकर नेपाल में गया तो पशुपति नाथ कह रहा है धड़ भूमि पर गिरा केदारनाथ कहला भगवान शिव का एक नाम जग प्रसिद्ध हुआ बोल पशुपति नाथ भगवान की पशुपति पाशुपत्य अस्त्र होता है पशुपति योग होता है और पशुपति व्रत होता है तीनों है संसार का मनुष्य अगर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकता पाशुपत्य योग नहीं कर सकता तो पशुपति व्रत कर सकता अपनी कामना को पूर्ण करके भगवान शिव की पांच सोमवारी को
पांच सोमवार का ये व्रत होता है। पांच सोमवार को छह दिए मंदिर में लेकर जाना पड़ते हैं, प्रसाद का तीन हिस्सा मंदिर में जाकर करना पड़ता है, दो हिस्से मंदिर में रखना पड़ते हैं, एक हिस्सा थाली में रखकर वापस लाना पड़ता है, छह दिए जमीन पर रखना पड़ते हैं, पांच दिए प्रज्वलित करना पड़ते हैं, एक दिए को वापस लेकर आया जाता है और घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में बैठकर दिया छठे नंबर का प्रज्वलित किया जाए। पांच व्रत पूर्ण हो, पांच सोमवार पूर्ण हो और पांचवें सोमवार को 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो शिव को समर्पित, एक श्री फल भेंट बाबा को। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो स्वयं को पान कर लो, स्वयं को खा लो। ऐसे भगवान शंकर के पांच व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के, करना चाहिए व्यक्ति को अपने आनंद के लिए करना चाहिए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महा। भगवान शंकर आनंद के साथ कार्तिकेय श्री गणेश अशोक सुंदरी के साथ विराजित होते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव जी के लिए। कल कथा का छठा दिवस रहेगा, कल की जो रात्रि मानी जाती है वो शिवरात्रि के रूप में हम लोग मानते हैं। दो दिवस की कथा और है, कल की कथा का समय भी यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों जो कथा होगी उसका समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों की जो कथा है विराम दिवस की उसका समय सुबह 8 बजे से, जम के बोलो जरा, 8 से 11 बजे तक परसों की कथा का समय रहेगा। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही कथा आएगी, उसका ध्यान रखें। ये कथा 29 तारीख तक चलेगी, 3 सितंबर से 7 सितंबर तक SPR रोड ट्यूलिप चौक गुड़गांव सेक्टर नंबर 70 में श्री वर्धन जी यादव द्वारा 1 बजे से 4 बजे तक कथा का आयोजन रहेगा, जिसको आप और हम सभी श्रवण करेंगे। बड़े